वर्ड होते हैं ना वो और ये तो हमें, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तभी तो बोल रहा हूँ उधर बैठ के कर, फिर मैं भी लिंक सब ऐड कर जाएगी। है। आप भी मैं यहीं बैठ के करता हूँ ना। देखो अब इसके लिए हम देख रहे हैं ना, तो ये अभी अपने को अगर राउंडेड है ये पहली चीज तो ठीक है, हाँ और इसमें फर्स्ट कलर तो हो गया ये वाला, लास्ट कलर हो गया ये वाला, ये जो सबसे डार्क है। तो एक बार हम कलर ड्रॉ करें। सर, लेकिन आप ऐसे आपने बताया, अच्छा सर्कल में फर्स्ट कलर लेफ्ट से आएगा मतलब राइट जो से? आप टिक करोगे वहां पे फर्स्ट कलर होता है, तो आपने नहीं सबको यहाँ तो सेम। ठीक है, जब जब हम करेंगे कलर तब बोलते हैं ना राइट, आप राइट लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हो। नहीं, जिस पे आप क्लिक करोगे ना, जहां आप क्लिक करोगे वो आपका सेंटर होगा और फर्स्ट पॉइंट होगा। अच्छा ये मैंने ये ओके बनाया अभी देखो, ठीक है। हाँ ये बनाने के बाद में इसको हम हटा देते हैं। लीनियर रेडियल हमने लिया, मैंने सेंटर यहां लिया और इसको यहां तक छोड़ा, ठीक है। अब इसको देखो, सेंटर से करेंगे। हाँ ये सेंटर लिया, यहां छोड़ा, ओके है अब ना। ठीक, अब उसमें क्या है आपको? लेकिन हाँ बताओ। तो लेकिन अब देखो, अब इसमें ना सर्कल ऐसे दिख रहा है पूरा बना हुआ, उस इसलिए दिख पिक्चर रहा में है नहीं क्योंकि दिख रहा। वहां जो रेक्टेंगल है उसमें ये वाला पॉइंट बहुत पीछे है, तो अभी हम कर रहे हैं तो अपने पास ही आगे की जगह नहीं है ना, स्क्वायर पैटर्न है। इसके लिए मैं आपको नई फाइल बना के दिखाता हूँ। वहां जो इमेजेस है बस उनपे अपने को पहले तो एनालाइज ही करना है कि कौन सा कितने कलर्स है और है ना किस टाइप का ग्रेडियंट आपको डालना है। और बताओ, और किसमें प्रॉब्लम लगी? मैंने तो बस यहां तक ही किया, फिर नहीं आया तो फिर छोड़ दिया। अच्छा, बाकी ट्राई नहीं करे हाँ आपने? ना वो हो ही नहीं रहा था मेरे को, बहुत देर तक ये दो लास्ट के दो ही अटक के रह गए। फिर इस वाले में क्या करोगे? इसमें तो 1 2 3 4 7 कलर में, नहीं 6 है। सिक्स कलर्स है, नहीं आपका सिक्स सिक्स नहीं है, होंगे, सेवन है, एट है, नाइन है, चेक करो। नहीं 1 2 ये डार्क ब्लू भी आ रहा है तो ये भी है, 1 2 3 4 5 सिक्स ही है। होने चाहिए शायद। ड्रॉ करो, एक काम करो, ड्रॉ करो इस कलर को अभी। ये वाली फाइल है ना अपने पास में? हाँ है, ठीक हाँ, इसको मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग ड्रॉ करो इसको। आपने डाले तो है। 1 2 3 4 5 6 आपने रेड और पिंक के बीच में इसको छेड़ा क्यों है सेंटर को इसको? हाँ ये जगह, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रेड कम आ रहा है, इधर नहीं, रेड वो ज्यादा आपको था लग रहा इसलिए। था, इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब इस टाइप के कलर बनते हैं ना कहीं पे भी ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा अच्छा करोगे ना, वो कलर बनेगा ही नहीं आपका, वहां पे ऐसी लाइन नहीं दिख रही है। आप उसको 50 पे करो, पहली चीज तो 50 पे। दूसरी चीज, जितने ये भी स्मूथ पॉइंट बने बेस। ना तो ये सब इक्वल पोजीशन पे होने चाहिए, डिफरेंस पे। अच्छा मतलब ये जो लोकेशन है यहाँ मुझे 50 का लेना चाहिए, ये यही लोकेशन, बोलना? ये तो उसकी 50 हो गई। जितने भी पॉइंट बने, नोड्स बने हुए कलर के, वो सारे कलर अच्छा नोड इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए बीच में, डिस्टेंस में तो इक्वली। वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? देखो कितना गैप आ रहा है उतना डिवाइड कर लो 100 में। पहला अच्छा पॉइंट मतलब 0 पे, लास्ट का 100 पे, बीच वाले जितने आएंगे वो इक्वली पोजीशन पे आएंगे फिर। अच्छा मतलब जो बीच के 4 है मुझे उसको इक्वली डिवाइड करने हैं। हाँ अच्छा मतलब इन सबको इक्वली ऐसे डिवाइड ट्वेंटी करना पे है मतलब। फर्स्ट वाला, 20 पे सेकंड वाला, 40 पे, फिर लास्ट वाला किस पे आएगा? 60 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा। ऐसे करोगे ना, जब चार है तो बीच में हाँ फिक्स करो पोजीशन, फिक्स सभी की, ट्वेंटी फिक्स मतलब एक, ट्वेंटी 40 60 और 80। अच्छा
60 करो इसकी, 40, 60 40 और ये 20। हाँ अब ड्रॉ करो कलर। आप देखो अब फिर भी ठीक आ रहा है, तो हाँ मतलब मुझे पोजीशन का ध्यान रखना इनका पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर कलर प्रॉपर